आसंता वर्ष हेबो जनगणना केन्द्र गृहमंत्री बड़ घोषणा 2021 गणना 2025 डिजिटल मोड रे हेबो जनगणना जो प्रसंग को नहीं केन्द्र ठू आरंभ करी राज्य सबुठी चर्चा जोर धरिथिला एबे सही प्रसंग रे पूर्णच्छेद पढ़ा जाऊ दीर्घ दिन हेब जनगणना को नहीं विरोधी संसद गृह ठू आरंभ करी संसद बाहर सरकार को प्रश्न करुथिले कि सरकार काहेकि देश में जनगणना करूना जहाँकि 2021 मसीहा कथा जद्वारा देशर जनसंख्या संपर्क में सठिक तथ्य मिल पारना हेले सरकार एने कौनसी मंतव्य रखिनथिले जदियो एहाकु भित्ति करी विरोधी दल नेता राहुल गांधी बीजेपी सरकार उपरे बारंबार प्रश्न करियासुथिले किंतु सरकार एथिप्रति कौनसी दृष्टि देइनथिले हेले एबे एही जनगणना प्रसंग उपरे मुह खोलिचंती केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह शाहंक कहिबा कथा आसंता वर्ष अर्थात 2025 आरंभ करी 2026 मसीहा पर्यंत देश में एक वर्ष धरी ई जनगणना करा हेले एथर नुआ तरिकारे जहा हेउची आगामी जनगणना डिजिटल मोड अनुसार हेबो इलेक्ट्रोनिक मोड रे जनगणना हेबा द्वारा सठिक तथ्य मिल पारिबो जहा आगामी 25 वर्ष पई देश को विकास रो मूल भित्ति जोगाइबारे सहायक हेबो जेहेतु एही जनगणना 2021 हेबाकु थिला किंतु सेतेबेले देश रे कोरोना महामारी काया विस्तार करथिला तेणु 2021 मसिया रे जनगणना होई पारि नथिला महामारी देशरु जाऊ जाऊ निर्वाचन समय पाखे आसीथिला तेणु जनगणना संभव हेला नाही सेतिपई 2025 मसियारु आरंभ होई 2026 मसिया पर्यंत एही जनगणना हेबो बोली कहिसेंती अमित शाह जनगणना परे निर्वाचन मंडली पुनः निर्धारण हेबो चलित थर पर बदल जनगणना चक्र 2025 पर 2035 पुणी थर हेबो जनगणना ब्यूरो रिपोर्ट दिनांक टीवी।